हेलो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। थर्ड चैप्टर जिसके बारे में डिस्कस किया था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। प्लीज, जो कल का डिस्कशन था हमारा, वो डिस्कशन ये रहा कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, दो वेरिएबल का मतलब क्या है, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से कैसे रिलेट करती है, स्ट्रक्चर इक्वेशंस का पेयर में जो स्ट्रक्चर था वो हमने कल सब कुछ ये डिस्कस किया था। अब बात आती है, मतलब कल हमने ये भी डिस्कस किया वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना एल्जेब्रिक फॉर्म में और फिर उसको कन्वर्ट करना ग्राफिकल फॉर्म में। अब आज हम डिस्कस करते हैं कुछ और एडवांस, जो कि क्या है, अब जब लीनियर इक्वेशंस का जो स्ट्रक्चर था, जो पेयर था कल डिस्कस किया, वो बेसिक ये था, बेसिकली a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड इक्वेशन a2x + b2y + c2 = 0। ये मेरे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस था, ठीक है, जो कि लीनियर थी। क्यों लीनियर थी? x और y दोनों की जो डिग्री है वो वन है, साथ ही साथ मेरे पास कंडीशन यहाँ पर इंसर्ट की गई थी a1 a2 b1 b2, ये सारे नॉट इक्वल टू जीरो होंगे, ये टू जीरो होंगे, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है, अगर लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, पेयर के अंदर इसके सॉल्यूशंस की बात आती है, ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब होता क्या, व्हाट यू मीन बाय द सॉल्यूशन, हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। सॉल्यूशंस का मतलब, इन दो इक्वेशन का सॉल्यूशंस का मतलब एक्स और वाई की वो पर्टिकुलर वैल्यूज जो साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, यानी कि वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई इक्वेशन। सपोज ये वन है, ये टू है, इक्वेशन वन एंड टू साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों को सेटिस्फाई करें, ठीक है, उसको आप सॉल्यूशंस कहते हैं। अब बात आती है, सॉल्यूशन कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो डिपेंड करता है मेरे पास कि ये पेयर होगा कैसा होगा, इस पेयर की जो एग्जिस्टेंस के बारे में हम बताएंगे। एग्जिस्टेंस कैसी हो सकती है, आपके पास दो लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन है, मे बी वो इस तरीके की हो सकती है, ठीक है, हो सकता है वो या पैरेलल हो जाए, और थर्ड केस हो सकता है वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर लाई करें, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो सकती है। जैसे हम, जैसे जब कोई भी मकान बनाते हैं तो वहां पर जो ब्रिक्स लगाई जाती हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगाई जाती हैं, तो इन द सेम वे आपकी जो लाइंस होगी वो इस तरीके से हो सकती हैं। आपके पास इन तीन फॉर्म के अलावा कोई भी अदर फॉर्म नहीं है, या तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग होंगी, ये कैसी है मेरे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये है मेरे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, ये कौन सी लाइन्स है, फॉर्म है मेरे पास, ये है मेरे पास पैरेलल लाइन्स, ठीक है, पैरेलल लाइन्स, ये कौन सी फॉर्म है, कोइंसिडेंट लाइन्स, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है, जैसे एक लाइन ये है, अगर मेरे पास अनदर लाइन मेरी जस्ट इसके ऊपर आ जाएगी, वो था स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये कोइंसिडेंट लाइन हो गई। पैरेलल लाइन लाइक किस, अगर कोई लाइन ऐसे जाएंगे उनको आप पैरेलल लाइन बोलेंगे, अगर जस्ट मैं अगर इनको थोड़ा सा भी अगर रोटेट कर दूँ तो ठीक है, अब आप ये कहोगे ना ये पैरेलल है ना कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर आप इनको इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं तो बेटा ये कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, जिसको कि आप इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार एग्जामिनर आपको लाइन ड्रॉ करके बताए और कहे बताओ बेटा ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, ये कौन सी लाइन, ऐसा नहीं होगा, वो आपके सामने इक्वेशंस देगा, उन इक्वेशंस को स्टडी करोगे, ठीक है, तब आप बता पाओगे कि लाइन्स की फॉर्म कैसी हैं। अब स्टडी करने का मतलब क्या रहेगा, अब थोड़ा सा आपको ये क्लियर होना चाहिए कोफिशियंट्स के बारे में, एक्स और वाई के कोफिशियंट्स क्या हैं, एक्स का कोफिशियंट्स क्या है, आपके एक्स के कोफिशियंट है ए वन,
a2, y के कोफिशिएंट्स क्या आपके पास है b1 b2 एंड कांस्टेंट्स टर्म आपके पास क्या है c1 c2। अगर आपको इक्वेशंस दी गई हैं और आप ये काबिल हो निकालने में कि x का कोफिशिएंट ये है और दूसरे सेकंड में x का कोफिशिएंट ये है, y का कोफिशिएंट और द कांस्टेंट टर्म, अगर आप ये निकालने में कामयाब हो जाते हो तो ये आप आसानी से निकाल पाओगे। अब इनको निकालने के बाद आपको करना क्या होगा, ठीक है, आप ये लेंगे दैट a1 अपॉन a2 निकालेंगे और आप निकालेंगे b1 अपॉन b2, ठीक है, निकालें। अगर इनका रेशियो नॉट इक्वल टू है देन आप कहेंगे ये लाइन आपकी कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। पैरेलल के केस में कंडीशन आपके पास होगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये रेशियो रहेगा आपके पास। कोइंसिडेंट के केस में आपके पास रेशियो रहेगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, मैं पहले एक एग्जांपल देती हूँ उसके थ्रू आप चेक करते हैं। सपोज मैंने एक इक्वेशन ली है, फॉर एग्जांपल सपोज 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अनदर इक्वेशन अगर मैंने ले ली 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, इट इज वेरी क्लियर, इट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप ये बता सकते हैं दिस इज योर a1, ठीक है, यहाँ पर a1 आप निकाल देंगे ऐसे 2, b1 इज योर दिस, b1 इज इक्वल्स टू योर 3 एंड c1 इज इक्वल्स टू योर 4, a2 इज योर, ठीक है ना, दिखा दे रहा 3, ठीक है, b2 इज इक्वल्स टू योर 4 एंड c2 इज इक्वल्स टू योर 5। आप रेशियो निकालने जा रहे हैं a1 अपॉन a2, आप निकालेंगे a1 अपॉन a2 आपने निकाला, आप साफ साफ दिखाई देता है इट इज 2 अपॉन 3 और आपने निकाला b1 अपॉन b2, दिस इज योर 3/4। इट इज वेरी क्लियर दैट a1 अपॉन a2 इट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्यों है, क्योंकि 2 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल टू 3/4, ठीक है ना, 2 अपॉन 3 बराबर नहीं है 3/4 के इक्वल। तो ये जो पेयर था मेरे पास, ये जो मैंने पेयर एज्यूम किया था, ये कौन सा पेयर है, ये उन लाइंस का पेयर है जो लाइंस आपकी इंटरसेक्टिंग है, इज इट ओके, कोई भी लाइंस दी होंगी, आपका काम पहले ये होगा कि a1 b1 c1 जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस किया है उसको आप निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रेस्पेक्टिवली। उसके बाद आप अलग अलग इस तरीके से रेशो निकाल लेंगे, जैसे रेशो बना देगा इक्वल है या नहीं, रेशो निकालने के बाद आपके माइंड में ये टेबल आ जाएगी, अगर नॉट इक्वल इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन आपकी इस होम की होती है। फर्दर अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं इस लाइन में और तुम सपोज पैरेलल लाइन का भी अगर आप एग्जांपल हो, पैरेलल लाइन के केस में आप ये ले सकती हो 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज 4x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a1 आपके पास 2 है, b1 आपके पास 3 है, c1 आपके पास 4 है, a2 आपके पास कितना है कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज योर 4, ठीक है, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल्स टू योर आल्सो 6। a1 अपॉन a2 अगर आप निकालेंगे a1 अपॉन a2 यानी कि 2 अपॉन 4 आएगा विच इज इक्वल्स टू 1/2, b1 अपॉन b2 अगर आप निकालेंगे, ठीक है, दिस 3 अपॉन 6 इट इज आल्सो इज इक्वल्स टू 1/2। वन अनदर थिंग, अगर आप c1 अपॉन c2 निकालते हैं 4 अपॉन 6 दैट इज 2 अपॉन 3, यहां से आपको साफ दिखाई देता है a1 अपॉन a2 का a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन a2 कैरी इज इक्वल्स टू, तो उन्होंने कैरी किया है 1/2 को। तो जो आपने ये वाला पेयर यहाँ पर लिया, ये वाला पेयर किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस को, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा आपकी पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। इन द सेम वे अगर आप ये कहें जी कोइंसिडेंट लाइन के लिए c1 अपॉन c2 इक्वल होना जरूरी है, अगर सुपोज मैं यहाँ पर इस 6 की जगह अगर मैं 8 ले लेती, अगर मैं 8 ले लेती तो मेरा ये हो जाता 4/8 इज इक्वल्स टू 1/2, तो फिर क्या होता, आपके तीनों केस आपके इक्वल हो जाते और आप बता देते लाइंस आर कोइंसिडेंट। स्टूडेंट्स आपके पास ऐसे ही मिलेंगे, आपको ऐसे ही बताना पड़ेगा
एक्सरसाइज में भी और एग्जाम में भी, एग्जामिनर होगा वो इस तरीके के आपको पेयर देगा। वो पेयर देने के बाद आपका सबसे पहला काम ये होगा कि आप A1, A2, ठीक है, ये सारी वैल्यूज को रीराइट करें इस तरीके से। देन देयर रेशियोज को आप निकालें। रेशियोज निकालने के बाद जो भी आपकी ऑब्जर्वेंस है उसकी हेल्प से, और जो आपने टेबल यहाँ पर नोट की है उस टेबल को देखते हुए आप बता सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइन, दैट इज इंसिडेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, जो भी लाइंस हैं आप यहाँ पर इजीली बता पाओगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा था सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपके दो तरह, सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यूज जो दोनों पेयर को सिमल्टेनियसली क्या करें, सेटिस्फाई करें। अब ग्राफिकली अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ, ग्राफिकली सॉल्यूशन का एक ही मतलब होता है जहां पर दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट की हो, जहां कॉमन पॉइंट आने का मतलब है एक लाइन मेरे पास ये है, एक लाइन मेरे पास है, अगर ये अलग अलग है तो इनमें कोई भी पॉइंट क्या कॉमन नहीं है। अगर पॉइंट ही कॉमन नहीं है तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया हुआ है ये वो पॉइंट है जो इसको भी और इसको भी, दोनों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो उसको सॉल्यूशन कहेंगे। और ये भी बड़ा साफ दिखाई देता है, अगर ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को मैं इधर आगे बढ़ाऊं, इसको आगे बढ़ाऊं, फर्दर ये लाइन्स आपकी कहीं पर जाकर मैच नहीं होंगी। अगर ये कहीं पर जाकर मैच नहीं होगी तो यहाँ पर एक सिंपल सॉल्यूशन मिलेगा जो कि ये वाला पॉइंट है। मीन्स इस सॉल्यूशन, इस पॉइंट के अलावा कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है तो एक सॉल्यूशन को आप यूनिक सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है ना। मीन्स इस केस में आप बोल देंगे यूनिक सॉल्यूशन, इस केस में आप क्या कहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वन पॉइंट इज कॉमन हेयर, यहाँ पर सिंपल ये पॉइंट कॉमन है, कॉमन है तो वो सॉल्यूशन है। अगर एक चीज होती है वो वहां पर यूनिकनेस आ जाती है, यूनिक सॉल्यूशन। बात थी मैं पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइंस ये दो खड़े हो सकती हैं, इनको आप चाहे कितना भी जमीन से आसमान तक बढ़ा दो, ये लाइन कभी भी जाकर आपकी मैच नहीं करेंगी, तो यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप सिंपली लिख देंगे नो सॉल्यूशन, आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन। फिर बात आती है कोइंसिडेंट पॉइंट की, बेटा एक लाइन ये है, अनदर लाइन ये है। आप देख, आपको ये तो पता है एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स एक लाइन पर होते हैं और दोनों लाइन मैच की हुई है तो दोनों में कितने पॉइंट कॉमन हुए, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स आपके कॉमन होते हैं। अगर पॉइंट्स कॉमन इनफाइनाइट मेनी हुए तो सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। आप कह सकते हैं इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आपके एग्जिस्ट करते हैं। कितने सॉल्यूशन हैं, इनफाइनाइट। आपने सॉल्यूशन की बात की, सॉल्यूशन की बात आपके पास मैंने अभी अभी बताया, सॉल्यूशन कॉमन पॉइंट को आप सॉल्यूशन बोलेंगे दोनों के लिए, ठीक है। जब आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन थी तो आपके पास सॉल्यूशन यूनिक था, अगर लाइन पैरेलल थी पैरेलल के केस में नो सॉल्यूशन था, अगर लाइन कोइंसिडेंट थी, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन ये है दूसरी लाइन क्या गई है इसी के ऊपर से अगर लाइन ये है तो उस केस में आपके पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन थे। इसके अलावा एक और एग्जामिनर ट्रम यहाँ पर ऐड कर देता है, वो ट्रम क्या रहेगी, कंसिस्टेंसी ऑफ लाइंस। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दो वर्ड यहाँ पर यूज होंगे, कौन सा, एक होगा कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस, एक होगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, दो वर्ड आपके यूज होंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पूछेगा कुछ क्वेश्चन किस फॉर्म का होगा, क्वेश्चन इस फॉर्म का होगा, दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टेल मी वेदर दिस पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या होगा, पेयर दे देगा और ये पूछेगा एग्जामिनर ये पेयर बताइए कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब इफ पेयर ऑफ लाइन हैविंग सॉल्यूशन, मैंने वर्ड यूज किया है इफ पेयर ऑफ लाइन हैविंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आइदर यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना। देन द पर्टिकुलर पेयर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है, सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होंगे। तो सॉल्यूशंस कब कब आया है मेरा,
सॉल्यूशंस यहां पर आया है, सॉल्यूशन मेरा यहां पर आया है, जहां पर सॉल्यूशन होगा वहां पर क्या रहेगी, कंसिस्टेंटली, ठीक है ना, कंसिस्टेंट रहेंगे। अब ये वाला पेयर है वो क्या कहलाया जाएगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, ये वाला पेयर भी क्या कहलाया जाएगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर है। और जहां पर सॉल्यूशन नहीं होगा, जब सॉल्यूशन नहीं हुआ आप उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है, वो आपका पेयर कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। ये वाले टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में एज इट इज दी गई है। समझने का तरीका, इन पॉइंट्स को क्लियर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब भी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार अपने टेबल को भी देख लें जो बुक में है, और इसको भी देख लें, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, वहां से आप फिर आउट सारे क्लियर हो जाएंगे। एक बार देखते हैं, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन की, यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात की गई थी। सॉल्यूशंस आपके तीन तरीके के आपके सॉल्यूशंस थे, सॉल्यूशंस से आगे आपने या कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट स्टैंड फॉर द हैविंग सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मीन हैविंग नो सॉल्यूशन। अब इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज 3.2 है, आप फटाफट अपनी बुक ओपन कीजिए और उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में जहां तक है वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, देखिए हम सभी स्टूडेंट आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे आप, उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और देन उसका सॉल्यूशंस के बारे में आप बात करेंगे, ठीक है। देखें एक बार फटाफट आपकी जो है क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इसने कहा है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फॉर्म बनानी है आपको लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, इट्स वेरी इजी, ठीक है। हमने 3.1 एक्सरसाइज में इक्वेशंस बनानी सीखी थी, और ग्राफिकली सॉल्यूशंस का मतलब जहां पर आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो उसका सॉल्यूशन कहलाता है। फिर भी हम इसका सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखिए इसके स्टेटमेंट क्या कहता है, 5 pencils and 7 pens, ठीक है, 5 इसने कहा है 5 pencils and 7 pens कि जो कॉस्ट है इसने बताई बेटा 50 rupees उनकी टोटल कॉस्ट है। इसके अलावा उसने बताया हम 7 pencils की बात की है और 5 pens की जो कॉस्ट टुगेदर है वो इसने 46 बताई है, ठीक है। इसने कहा है यू नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेन एंड पेंसिल, दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम। यानी कि आप शॉप पर जाते हो, आप कहते हो कि मुझे जरूरत है 5 pencils and 7 pens की, शॉपकीपर ने जस्ट बताया कि आपके चार्जेस 50 rupees हो चुके हैं, अपने पे किया। अनदर स्टूडेंट जाता है, उसने 7 pencils 5 pens की डिमांड की, उसके चार्जेस 46 हो गए। अब वो दोनों फ्रेंड्स से वो डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल के बारे में नहीं पता चला। वह दोनों दोस्त बैठकर इसको इवेल्युएट करते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी आएगी, कॉस्ट ऑफ पेन भी आएगा। उन दोनों दोस्तों का तरीका क्या था इवेल्युएट करने का, वो कहते हैं कि लेट उन्होंने एज्यूम किया कॉस्ट ऑफ वन पेन, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वन पेन को उन्होंने एज्यूम किया, कितना एज्यूम कर लिया, x rupees, उन्होंने कॉस्ट ऑफ, ठीक है, वन पेंसिल को एज्यूम किया, उसने किया y rupees। अगर एक पेन की कॉस्ट x rupees है तो 7 pen की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x, इज इट ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहा है। और एक पेंसिल की कॉस्ट अगर y rupees है, 5 pencils की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 rupees, दिस इज ऑल्सो द कॉस्ट, बट उसने पे कितना किया था, 50। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 आपकी रेडी है। इसके अलावा अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें, कॉस्ट ऑफ वन पेन एक्स थी, यहाँ पर 5 pens परचेज किए थे, तो 5 pen की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x प्लस में, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट वाई, पेंसिल यहाँ पर कितनी है, 7 pencils, 7y कॉस्ट हो जाएगी, उसने पेमेंट कितनी की, 46 rupees। अब इसने कहा इसको ग्राफिकली सोल्व कीजिए, ग्राफिकली सोल्व करने का मतलब आपने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को के लिए टेबल बनानी होगी। फॉर इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपने किया 7x + 5y = 50, 7x = 50 - 5y, x =
50 माइनस 5y अपॉन 7। यहाँ पर आप y की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करेंगे जिसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं वैल्यूज ऑफ x। चलो पुट कीजिए क्या वैल्यू आप चाहेंगे कि आपकी यूज की जाए यहाँ पर y की, जिससे कि आपका क्वेश्चन इजी रहे। क्या यूज करेंगे आप यहाँ पर? अगर मैं लेट, अगर मैंने देखो, अगर सपोज आप कहते हैं मैम वाई को वन पुट करो, वाई को वन पुट करोगे 50 माइनस 45 को एक वैलिड आंसर नहीं आएगा, तो मैं y की ऐसी वैल्यू लूंगी जिससे मुझे भी आसानी रहे। अगर मैंने y को 3 लेती हूँ तो मेरा x मिलेगा 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7, जो कि आएगा 50 माइनस 15 अपॉन 7, जो कि मेरे पास 35 हो जाएगा। 50 माइनस 15 35 अपॉन 7, जो कि मेरा आया 5। अगर मैं इसके लिए यहाँ पर एक टेबल बनाऊँ, है ना, 9th स्टैंडर्ड में भी हम बनाते थे इस तरीके से, ये x, ये y, x मेरा, अगर y मेरा 3 है तो x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, 5 वैल्यू आई है। इन द सेम वे मैं वन मोर वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करूंगी, आप बताइए ऐसी क्या वैल्यू ली जाए कि मेरा आंसर सही है। अगर मैं सपोज y को माइनस 4 ले लूँ, अगर सपोज मैंने y को क्या लिया, माइनस 4, तो बच्चों x आ जाएगा आपके पास माइनस 50 माइनस 5 इंटू माइनस 4 अपॉन 7, क्या बना, माइनस 50, ठीक है, नहीं माइनस 50 नहीं भाई, प्लस 50 है, ठीक है, क्या है, प्लस 50 है यहाँ पर, ये आपके पास क्या प्लस 50 है, तो प्लस 50 4 5 जा प्लस 20 माइनस माइनस प्लस अपॉन 7, ये हो गया 70 अपॉन 7, जो कि 10 हो जाएगा। यानी कि अगर आपने y को माइनस 4 लिया तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 10 आई है। इन द सेम वे आप सेकंड इक्वेशन के लिए सोल्व करेंगे, फॉर इक्वेशन सेकंड, यहाँ पर भी सेम चीज रहेगी, 5 इज इक्वल टू 46 माइनस के 7y, तो y क्या था, 5x ये थी ना, ये वाली 5x है, 5x इज इक्वल टू 46 माइनस 7y, तो यहाँ पर जो x आएगा आपका 46 माइनस 7y अपॉन 5। इसके लिए भी मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, x और y की कुछ वैल्यूज लेनी पड़ेंगी यहाँ पर। अब मैं y के ऐसे क्या सुटेबल वैल्यू पुट करूँ कि मेरा आंसर बिल्कुल सही आ जाए। अगर मैं सपोज y को 3 लेती हूँ, अगर मैंने y को 3 लिया तो x आ जाएगा मेरा 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, जो कि आ जाएगा 46 माइनस 21 अपॉन 5, आई थिंक 25 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 25 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू योर 5, यानी कि y 3 था और x क्या था मेरे पास 5 था, ये वैल्यू y। मैंने जानबूझकर ऐसी वैल्यू ली कि मेरा आंसर यहाँ पर फ्रैक्शन में ना आए। अब y की अनदर आप वैल्यू कंसीडर कीजिए जिससे कि आपका आंसर ठीक ठाक आ जाए, मतलब एक नेचुरल नंबर आ जाए, एक इंटीजर आ जाए, ना कि डेसिमल। सपोज यहाँ पर अगर आपने y को माइनस 2 लिया, अगर आपने y को क्या लिया, माइनस 2, आप यूज करेंगे x इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू माइनस 2 अपॉन 5, 40, 7 2 14, 14 माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन 5, आई थिंक दिस इज योर 60, ठीक है, 60 अपॉन 5, ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ चुकी है। तो आपने x y को कितना लिया था यहाँ पर, माइनस 2, x आपका कितना आया, 15 आया। अब इसने पूछा है कि आपने इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, ग्राफिकली अगर आपने इसको सोल्व करना है तो आप अपना ग्राफ पेपर यूज करेंगे इस चीज के लिए, ऐसे ही नहीं बनाएंगे। अगर ग्राफ पेपर यूज नहीं करेंगे तो मिस्टेक्स के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। दिस इज योर, ठीक है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है। आप कीजिए यहाँ पर इसको नीचे तक ले आइए, ये वाली सी, ये वाला एक्सिस, अगर आपने यहाँ पर 2 2 के बनाए, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 एंड देन आपका चलाया जाएगा 16 तक। इन द सेम वे 2 4 6 8 10, आप दोनों इक्वेशंस को बारी बारी यहाँ पर ट्रेस करेंगे। आपने फर्स्ट इक्वेशन के लिए यूज किया x5 और y3, ठीक है, आपने यहाँ पर ट्रेस किया x5 और y3, ठीक है ना, x5 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है,
और y3 कहाँ होगा, यहाँ होगा। आपने इस तरीके से दोनों को आप ग्राफ पेपर पर यूज करेंगे, ये आपका पॉइंट आ चुका है। सेकंड आपका x10 है, y माइनस 4 है, x10 मेरा ये रहा और y माइनस 4 की बात करें, दिस इज योर माइनस 2 एंड दिस इज योर माइनस 4, ये आपके पास कुछ इस तरीके से ये पॉइंट आपका निकल कर आ जाएगा, x10 y माइनस 4। आपने इन दोनों को विद द हेल्प ऑफ स्केल, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने इनको आगे तक बढ़ा देना है, ऊपर से नीचे तक। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ आ गया। अब आपने सेकंड भी प्लॉट करनी है। सेकंड के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे x5 y3, x5 इज सेम हेयर एंड y3 सेम हेयर, ये पॉइंट आया मेरा। सेकंड x15 है मेरे पास, यानी कि 15 करीबन यहाँ होगा, y माइनस 2, ये मेरा माइनस 2 है, ये मेरा 15 करीबन ये पॉइंट है। इसके भी मेरे पास ये दो पॉइंट आ चुके हैं, इन दोनों को भी मैं विद द हेल्प ऑफ स्केल इस तरीके से यूज करूँगी। अब आप ये देखेंगे, आपने दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके ग्राफ पर आपने ट्रेस किया है। अब जहाँ पर आपकी दोनों स्ट्रेट लाइन मिली हुई हैं वो आपका सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप दोनों स्ट्रेट लाइन क्या की हैं, इंसिडेंट हुई है, एक दूसरे पर इंटरसेक्ट की हैं। इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट था वो ये था। इसके अगर कोऑर्डिनेट की बात की जाए, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 5 था और वाई कोऑर्डिनेट 3 था, ठीक है ना। ये मेरे पास सॉल्यूशन आया, दिस इज द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड बाय द वर्ड प्रॉब्लम, ये मेरा सॉल्यूशन आया। अब x क्या था मेरे पास, कॉस्ट ऑफ पेन थी, तो मैं यहाँ पर बता दूंगी, यस कॉस्ट ऑफ पेन जो कि आपने x रुपीज ली थी वो मेरी 5 रुपीज है, एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो y थी, यहाँ पर y थी, हम कॉस्ट ऑफ योर पेंसिल इज इक्वल्स टू योर 3 रुपीज, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इन द सेम वे आप अनदर क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, इट्स वेरी सिंपल है। नाइन्थ क्लास में आप सभी ने ग्राफ ट्रेस करना सीखा होगा, नथिंग न्यू, ठीक है, ओके। नाउ कम ऑन योर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट एक बार सभी बच्चे रीड करें, रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ योर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। दोनों सेम हैं, बड़े इजी हैं, मैं दोनों का एक एक पार्ट आपको क्लियर करवाऊंगी, उससे सारे हो जाएंगे। वैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको पहले करवा चुकी हूँ। क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग, इसने कहा है सेकंड क्वेश्चन में, ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, रेशोज योर ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू, इन रेशोज की कंपेरिजन करके फाइंड वेदर द लाइन representing the following pair of linear equation intersecting at a point are parallel or coincident, पूछ रही है ना वही चीज। By comparison of this these ratio you have to tell that whether following pair of linear equation are parallel, intersecting or coincident। यहाँ से मैं आपका इसका third part है जो इसका second का वो मैं यहाँ पर आपके सामने बता रही हूँ। Question number second का थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 एंड योर 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। आपने बताना है ये पेयर आपके पास कैसा है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था, सबसे पहले आपका काम होगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 के बारे में बताना। बच्चों आपको भी पता है a1 होता क्या है, A1 होता है फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशियंट। फर्स्ट जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सपोज 1 है, ये इक्वेशन सपोज 2 है, इसका जो x कोफिशियंट होगा वो मेरा A1 होगा। A1 मेरे पास क्या है, 6 है। B1, बच्चे कई बोलेंगे मैम B1 होता है मेरा y का कोफिशियंट। बेटा y का कोफिशियंट होने के साथ साथ आपने साइन को भी साथ में कैरी करना है। मीन्स बच्चे बोलेंगे मैम 3 है यहाँ पर B1, B1 3 नहीं है, B1 माइनस 3 है, क्योंकि आपने जो इक्वेशन पढ़ी थी ना, इक्वेशन ये थी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 था, यानी कि B1 जब था जब यहाँ पर प्लस का साइन था। अब यहाँ पर प्लस अगर मैं साइन करूँ तो प्लस यहाँ हो जाएगा और माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी, तो हो गया ना B1 मेरा माइनस 3, B1 क्या हो गया माइनस 3, C1 इज योर 10, A2 इज योर 2, B2 इज वॉट, इन द सेम वे
इसको मैं प्लस कर दूंगी और माइनस को इसके साथ शिफ्ट कर दूंगी, ठीक है ना। अब वाई का कोफिशियंट क्या है, वाई के साथ है कौन, आप हो गए माइनस, माइनस अकेला नहीं है, माइनस वन आप कहेंगे। जब भी किसी के साथ कोई नजर ना आए तो वन हमेशा खड़ा रहता है वहां पर, तो यहाँ पर माइनस वन है और सी टू मेरे पास जो है वो नाइन है। आप बच्चों निकालना यहाँ से ए वन अपॉन ए टू आपने निकाला, दिस इज योर सिक्स बाय टू, आपने देखा सिक्स टू जा थ्री आपके पास आया। आपने b1 वन अपॉन बी टू के बारे में डिस्कस किया, क्या था माइनस थ्री अपॉन माइनस वन, माइनस माइनस खत्म कितना आ गया थ्री आ गया। आपने यहाँ पर c1 वन अपॉन सी टू अगर आपने निकाला, दिस इज योर टेन अपॉन नाइन। आपने यहाँ से ऑब्जर्व किया, इट इज वेरी क्लियर दैट ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू योर बी वन अपॉन बी टू विच इज इक्वल टू योर थ्री, क्योंकि थ्री था ना, तो यहाँ पर लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, आपने बता दिया ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने एक टेबल डिस्कस की थी, उस टेबल में ये कहता था अगर ये चीजें इक्वल आ जाएं तो आप ये कह सकते बी वन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल, इसको रिप्रेजेंट करता है पैरेलल। आप बताते हैं given pair of equations are parallel, क्या थी आपके पास parallel थी। इसी तरीके से इसके आप सारे पार्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाओ एक बार, थर्ड की जो स्टेटमेंट एक बार आप चेक करें, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, अगेन ये कहता है by comparing these ratios find out whether the following pair of equations are consistent or inconsistent। इसने बता दिया कंसिस्टेंट के बारे में बताओ और इनकंसिस्टेंट, क्या बताना है इसने, इसने पूछा है कंसिस्टेंट बताओ एंड इनकंसिस्टेंट के बारे में इसने पूछा है बाय कंपैरिजन ऑफ दीज रेशो, इनको कंपेयर करके। अगर मैं यहाँ पर करूँ, सुपोज मैं इसका भी अगर थर्ड पार्ट लेके चलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे पता आपको थर्ड पार्ट या फिफ्थ में से कोई ये करवाना होगा, मैं थर्ड को ले रही हूँ। थर्ड का थर्ड पार्ट के बारे में एक बार डिस्कस कीजिए, आपके पास है थ्री बाई टू इंटू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री इंटू वाई इज इक्वल टू योर सेवन, सेकेंड नाइन एक्स माइनस टेन वाई इज इक्वल टू योर फोर्टीन, दिस इज योर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। नाउ यू हैव टू टेल दैट पर्टिकुलर पेयर इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इन द सेम वे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तक का प्रोसेस क्या रहेगा, प्रोसेस ये रहेगा ए वन ए टू निकालेंगे, बी वन बी टू सी वन सी टू, उनका आप रेशियो लेंगे, रेशियो को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद बताओगे पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, देन टर्न आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की। आपने ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करना है। आप बता दें व्हाट इज योर ए वन कोफिशियंट ऑफ एक्स, कितना है आपके पास थ्री बाय टू। What is your b1 coefficient of y? बेटा ये पूरा लेकर चलेंगे, b1 is your 5 upon 3, ठीक है। अब sometime कहते हैं कि मैडम इसको इधर ले लो, no issue, अगर आप इसको इधर लेकर आते हैं तो ये माइनस सेवन हो जाएगा इक्वल टू जीरो, इक्वल टू से इसको भी इधर लेकर आते हैं, ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर मेरे पास जो c1 होगा दिस इज योर माइनस सेवन, ए2 है जो मेरे पास क्या रहेगा, ए2 इज योर नाइन, ठीक है, बी टू इज योर माइनस टेन, क्या रहेगा माइनस टेन, एंड योर सी टू इज योर माइनस फोर्टीन। बता दे ए वन अपॉन ए टू आप निकाली, ए वन अपॉन ए टू थ्री बाई टू अपॉन नाइन है बेटा, अपॉन नाइन को आप नाइन अपॉन वन भी कह सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो, आपने ये कह दिया। अब आपको पता है फिलहाल ये डिविजन में है, अगर मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी आपको पता है ये पलट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएंगे, थ्री थ्री जा नाइन, दिस इज योर वन अपॉन सिक्स आ चुका है, ठीक है। आपने निकाला बी वन अपॉन बी टू, बी वन इज योर फाइव अपॉन थ्री, अगेन बी टू इज योर माइनस टेन, योर माइनस टेन, नीचे आप वन यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं माइनस टेन अपॉन वन, इसको ऊपर लेके जाएंगे ये भी आपका पलट जाएगा, फाइव अपॉन थ्री इंटू में माइनस वन बाय टेन, फाइव टू जा टेन, दिस इज योर माइनस वन बाय सिक्स। सी वन अपॉन सी टू की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, यहीं से पता चल गया मुझे दिस इज योर वन बाय टू,
कई स्टूडेंट का मानना है कि जी 1/6 और -1/6 इक्वल है, नहीं है बेटा ये बराबर, क्योंकि दिस इज योर +1/6 एंड दिस इज योर -1/6। तो यानी कि आपने कहा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू योर b1/b2। अगर बराबर नहीं होता है ये रेशो, आप क्या कहते हैं, यस गिवन लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इंप्लाइज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग अगर मेरी लाइन है यहाँ पर तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन है ना, कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन यूनिक है, सॉल्यूशन यूनिक हो चाहे मैनी सॉल्यूशन हो, आप क्या कह देते हैं, गिवन पेयर इज योर क्या, कंसिस्टेंट, ठीक है ना। तो गिवन जो पेयर ऑफ लाइन है वो कैसा है, कंसिस्टेंट। इज इट ओके, एनी डाउट, ठीक है। ये हमने कंसेप्ट के साथ भी डिस्कस किया था, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर आए, एक बार इसको रीड करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। जैसे मैंने इसको बताया है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, इट्स वेरी इजी, नो नीड टू राइट ऑन हेयर, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप बताएंगे, फिर कहेगा ओपन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मीन्स इस इतना करने के बाद आपने ना ग्राफ और ट्रेस करना पड़ेगा वहां पर, ठीक है ना। ग्राफ में अगर कंसिस्टेंट है ना, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ही आप ग्राफ को ट्रेस करेंगे, अदरवाइज आप ग्राफ ट्रेस नहीं करेंगे। इनकंसिस्टेंट के केस में सॉल्यूशन ग्राफिकली आ जाएगा, समटाइम कंसिस्टेंट है और लाइंस आपकी क्या है, कोइंसिडेंट है, तो उसको शो करने के लिए आप कलर्ड पेन का यूज कर लेंगे, स्केच पेन का ग्राफ पेपर पर, ताकि आपकी लाइंस पता चल जाए, यस ग्रीन लाइन इंडिकेट योर फर्स्ट इक्वेशन एंड रेड लाइन इंडिकेट योर सेकंड इक्वेशन, साफ हो जाएगी ये कंडीशन। आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, ठीक है। ट्राई टू डू ऑल दीज क्वेश्चन विद योर एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ठीक है। गारंटीड यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके देखते हैं। Right, ठीक है, have fun, good day.